नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड SSCGL इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक करेंगे डिमांड पार्ट टू। पार्ट वन हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं और अब होगा पार्ट टू। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 30 टॉपिक है कवर होंगे इसमें जो सिलेबस में SSCGL के, और सिलेबस में क्या है ये पूरी जानकारी है। आप जो दूसरी प्रेजेंटेशन है जिसमें सिलेबस के बारे में सिर्फ जानकारी दी गई है वो प्रेजेंटेशन रेफर कर सकते हैं। दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम, दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इंग्लिश मीडियम, देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन विच इज इन इंग्लिश मीडियम एंड दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच हिंदी मीडियम प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन दे कैन लुक फॉर। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। पार्ट वन में हमने किया था डिमांड के बारे में जानकारी, अब उसके डिफरेंट जो आगे फीचर्स हैं वो देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो। जो SSC का एग्जाम होता है स्पेशली CGL का एग्जाम, उसमें काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टिपिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानकारी है वो तो बाकी एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इकोनॉमिक्स की जानकारी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है वो देखिए। J.R. हिक्स है, ये इकोनॉमिस्ट है, जाने वाले इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने किताब लिखी थी, कई बार किताब का नाम भी आ जाता है कि वैल्यू एंड कैपिटल है, उसके लेखक कौन है। आंसर है J.R. हिक्स, 1939 में ये किताब लिखी गई थी। और एक दूसरा काम हुआ है इसी टॉपिक पे, वह है रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956 में, वो एलन ने किया था, R.L.N. ने। इंडिफरेंस कर्व पे आप बोल सकते हैं इससे रिलेटेड काम हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व, कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी वाई, आप इसको थोड़ा रेफर कर सकते हैं जिससे कि जानकारी ये थोड़ी स्पष्ट हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी बीइंग ए साइकोलॉजिकल फीलिंग इज नॉट क्वांटिफाइबल, इट कैन बी प्रेफर्ड। हमने जो पढ़े थे थ्योरम कार्डिनल, उसमें ये बात थी कि यूटिल है उसके रूप में हम लोग है वो यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने, इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने, कुछ उनका स्टैंड था कि ये इट कैन बी प्रिफर्ड के रूप में हो सकता है, प्रिफर्ड रूप में हो सकता है। तो इनडिफरेंस कर्व मे बी डिफाइंड एज द लोकस पॉइंट is representing a different combination of two substitute goods which yield the same utility to the consumer. कि two substitute goods है, substitute goods कौन से होंगे, जैसे tea है, coffee की substitute हो सकती है, coffee tea की substitute हो सकती है, ठीक है, गुड़ है वो चीनी के कई केसेस में substitute हो सकता है, सब्जी के हम देखते हैं different different दाल है वो किसी दूसरी सब्जी की substitute हो सकती है, पैंट है वो सलवार कमीज की सब्शूट हो सकती है, इस तरह से सब्शूट एक दूसरे का जो उसकी जगह यूज किया जा सके। अब यहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट लोकल पॉइंट है, लोकस का मतलब पॉइंट बनते हैं। अगर जैसे कि क्वांटिटी एक्स है और वो क्वांटिटी वाई है, तो ये जो पॉइंट है वो बताता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी होगा, यूटिलिटी मतलब कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कर्व खींच सकते हैं, मतलब कि अगर इसकी पांच यूटिल है, पांच कोई अमाउंट है कॉमोडिटी की एक्स की, तो वो लगभग 20 22 या 25 के आसपास है कॉमोडिटी वाई है, वो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इसको हम लोग इस तरह से एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, उस कर्व को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन टू सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके लिए उसकी यूटिलिटी सेम सेटिस्फेक्शन से लिए इनडिफरेंस कर्व होती है। सच ए सिचुएशन इज पॉसिबल बिकॉज कंज्यूमर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स टू कंज्यूम एंड दैट वन कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, ये तभी पॉसिबल है आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही एक है, तो उस सिचुएशन में ये तो लागू नहीं होगा, लेकिन आपके पास कई ऑप्शन है तो उस केस में ही लागू होगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। ही कैन मेक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स विच गिव हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहां पे बात आई है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो टू कॉम्बिनेशन है अगर वो बनता है, तो इस तरह से कि एक सब्स्टिट्यूट करे दूसरे से, तो इस तरह से एक इनडिफरेंस करो एनालिसिस वो कर सकते हैं। दस ही वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन द कॉम्बिनेशन व्हेन ही मेक्स ए चॉइस,
इस तरह की सिचुएशन में वो चॉइस अगर वो करता है तो देर विल बी हार्डली इनडिफरेंट. When such combination are plotted on a graph, it result in the indifferent curve, जैसे कि हमने अभी देखा. It can also be called, और इस indifference curve को iso-utility curve बोलते हैं. iso का मतलब कि two substitutes same utility provide कर रहे हैं. iso मतलब same, utility मतलब satisfaction curve, same satisfaction से related curve है. दो substitute product की वो draw करना indifference curve कहलाता है. अब आता है indifference schedule. अगर बाद में दो गुड्स हैं, जैसे फॉर गुड्स एक्स और वाई है, सपोज देर आर फाइव कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एक्स एंड वाई कंज्यूम्ड गिविंग इक्वल यूटिलिटी. जैसे उस ग्राफ को हमने देखा था, लगभग अगर उसी ग्राफ में ये चीज फिट कर दी जाए कि अगर ये 27 यूनिट है, वो 5 यूनिट है, 20 यूनिट है, 11 यूनिट है, 12 यूनिट है, 17 यूनिट है, ऐसे किया जाए तो टोटल यूटिलिटी है वो सेम होगी. टोटल यूटिलिटी है सेम होगी. ये बात उसमें भी हमने देखा था कि एक में यूनिट डिफरेंट थी, दूसरे में यूनिट डिफरेंट थी. इस फॉर्मेट में वो चला गया, एक की कम हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल. अगर डिफरेंट डिफरेंट जैसे कंबिनेशन बना दिया जाए तो उसको इनडिफरेंस शेड्यूल हो गई. और टोटल यूटिलिटी इसमें सेम होगी, ये खास बात होगी. अब आता है इनडिफरेंस मैप क्या होता है. इनडिफरेंस मैप क्या होगा, कंज्यूमर कैन मेक मेनी अदर कॉम्बिनेशंस गिविंग टोटल यूटिलिटी ग्रेटर देन और लेस देन यूटिलिटी. जो टोटल यूटिलिटी है उसको यू से रिप्रेजेंट किया गया है. अब यहां पे बात आ रही है कि कंज्यूमर, एक तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास, वो कॉम्बिनेशन बनाता है दो गुड्स का, लेकिन ऐसे वो कॉम्बिनेशन कई बना सकता है. टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है वो कई बना सकता है. तो यहां पे अगर जो कई कॉम्बिनेशन बना सकता है, जो कि कंज्यूमर कैन मेक मेनी अदर कॉम्बिनेशन गिविंग टोटल यूटिलिटी या तो ग्रेटर देन और लेस देन जो यूटिलिटी है उससे, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, अगर पहले ये बन रहा था तो वो और कॉम्बिनेशन ऐसे भी बना सकता है, ऐसे बना सकता है जिसमें यूटिलिटी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन वो दो गुड्स का ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकता है. और अगर हम इसको ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करें उस यूटिलिटी को, डिफरेंट डिफरेंट यू वन यू टू, ये यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की, तो उस पूरे जो तीन चार U1 U2 है इन सबको मिला दिया जाए, उनका ग्राफ खींचा जाए, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस मैप. मैप बन गया, ये एक सिर्फ कर्व नहीं है. सो देयर कैन बी वेरियस इनडिफरेंस कर्व्स शोइंग वेरियस लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी. ये लाइन है वो अपने आप को इसको डिफाइन कर रही है, ये लाइन इसको अपने आप को डिफाइन कर रही है कि वेरियस इंडिफरेंस कर्व है. आईसी बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, तो C1 है, C2 है, IC2, IC3, IC4 ये इंडिफरेंस कर्व है. क्वांटिटी X है, क्वांटिटी Y है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं. इन दिस चार्ट फोर आईसी कर्व, IC1, IC2, IC3 मेक इंडिफरेंस कर्व. IC1 हैविंग लोएस्ट टोटल यूटिलिटी एंड कर्व IC4 रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशंस गिविंग द हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी. लीस्ट टोटल यूटिलिटी U1 है इसमें और हाईएस्ट है U4. जैसे जैसे जाएंगे तो ऐसे हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं. फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व. तो एक सीधी सी बात अभी तक आई है कि दो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, उनका अगर एक लाइन हो इनडिफरेंस कर्व, कई लाइन हो तो मैप हो गया. प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व है वो क्या खास बात, इसकी क्या खास बात है ये जानकारी लेते हैं. क्या ये कर्व फॉर्म में होती है, क्या स्लोप नीचे की तरफ होता है, क्या है उसकी सारी जानकारी लेते हैं. इनडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब नीचे की तरफ है, ऐसे नहीं पॉजिटिव स्लोप, ऐसे नहीं पॉजिटिव स्लोप, ऐसे होता है, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है. विच इंप्लाइज दैट टू कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे को वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ना कि कोई एडिशन कर रहे हैं. ऑल्सो इफ क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज्ड द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी विल ऑटोमेटिकली बी डिक्रीज्ड. अगर दो चीजें हमें खरीदनी है तो अगर एक चीज ज्यादा ली तो ऑटोमेटिकली दूसरे में कट मारना लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज सो दैट द कंज्यूमर फील द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉमोडिटीज. तो जो नया कॉम्बिनेशन होगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसमें मिले. जैसे कि एक यूनिट से भी दिखाया गया यहां पे, ए बी सी ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं. अगर इसमें यूनिट ऑफ अगर वाई आइटम है उसकी 15 यूनिट है, 8 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो यूनिट ऑफ एक्स है उसकी 2, 4 इसकी बढ़ रही है, उसकी कम हो रही है. तो इस फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं कि ये, लेकिन इसकी खास बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है सेम अमाउंट ही उसको सेटिस्फाई करे. यहां पर यह मैसेज आ रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नेगेटिव एंड ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 3.5 टू 1.5. ये
इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, लिखिए कि अगर उसमें हम इस डायग्राम में द्वारा देखिए कि यहां पर डिफरेंस इतना था, यहां पर डिफरेंस कम हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि इतने जो इसमें कमी आ रही है वो उसमें उतनी ही बढ़ रही है, इनफैक्ट नेगेटिव स्लोप है, वो नेगेटिव है, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा चेंज होता है हर बार है, वो कम होता जा रहा है, नेगेटिव है इस पर्टिकुलर केस में, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 3.5 टू 1.5 जैसे हमने इसमें देखा. सो दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉजेस द इंडिफरेंस कर्व टू बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, कन्वेक्स टू द मतलब कि वो ऐसे आपने देखा होगा, ये कन्वेक्स का सिंबल होता है, कन्वेक्स ऐसे नहीं है, उल्टा नहीं है, ये ओरिजिन कौन सा था, ये पॉइंट था ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, और ये जो इस तरह से होता है इस प्रोबेबिलिटी में उसको कन्वेक्स बोलते हैं, और ये उल्टा हो गया कन्वेक्स का कन्वेकेव. तो इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट नो टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अदर. ऐसा नहीं कॉफी है वो चाय का 100% रिप्लेसमेंट कर देगी, नहीं, वो एक सिमिलर प्रोडक्ट है और उसको रिप्लेस कर सकती है, बस इतना है. तो ये इसलिए इंडिकेट करता है इंडिफरेंस कर्व कि वो ये नेगेटिव तरफ और कर्व कन्वर्ज होने का रीजन ये है कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर इंटरसेक्ट नॉर बी टेंजेंट टू वन अनदर. अगर वो देखो इंडिफरेंस कर्व होती है, दो तीन कर्व जो हमने दिखाई थी अभी मैप में, वो एक दूसरे क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस करने की इसका मतलब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री या कोई और चीज में चला जाएगा. तो ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना ही वो एक दूसरे के टेंजेंट होगा, नोर बी टेंजेंट टू वन अनदर. अपर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द लोअर वंस. जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे इसमें ऊपर जा रहे थे ऐसे, तो ये वाले ज्यादा हायर लेवल सेटिस्फेक्शन, ये कम वाली सेटिस्फेक्शन हो गए, लेकिन एक दूसरे को काटेगी नहीं कभी भी, और नहीं एक दूसरे को छूती जाएगी, टेंजेंट होगी, टेंजेंट छूती जाएगी. अब आता है बजट लाइन और प्राइस लाइन, इनमें क्या फर्क है, बजट लाइन क्या होता है और प्राइस लाइन क्या होगा. तो जब आपके पास पैसे है, आपकी इनकम है, आपके पैसे हैं, मार्केट में गए हैं कंज्यूम करने के लिए चीजें, एवरी कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंग गुड्स. हर आदमी ये चाहता है इकोनॉमिक्स में जो ये है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां पर खर्च करते हैं उससे आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, मैक्सिमम यूटिलिटी चाहते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं. ये बेसिक थ्योरम आप बोल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इकोनॉमिक्स का कि जब भी आप चीज खरीदेंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कैसे निकाले हो. बट एवरी कंज्यूमर हैज टू लिमिटेशन. एक तो क्या होता है कि उसकी लिमिटेड इनकम होती है, और दूसरा क्या होता है, हालांकि उसको हो सकता है बहुत अच्छा आइटम चाहिए, एसी चाहिए, लेकिन एसी लेने के लिए वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा है. दूसरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस है और उसकी इनकम है, वो दोनों अपने आप में दो चैलेंज है, लिमिटेशन है उसकी. These two combined form a budgetary constraint. और यही है कि उसकी बजट एक अपने आप में बजट की सीमा है, सारे आइटम वो नहीं खरीद सकता. All the combination of two commodities available to the consumer whose combined price do not exceed its income then joined form a budget line or a price line. तो यहां पे क्या है कि जब अगर वो combination बनाता है all combination of two commodities available to the consumer, तो उसका जो कंबाइंड प्राइस है आमतौर पे वो उसकी इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए व्हेन जॉइंट फॉर्म में बजट लाइन या प्राइस लाइन, क्योंकि इनकम से ज्यादा वो बजट नहीं कर सकता नॉर्मल केस में, साधारण सिचुएशन में. स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज. स्लोप का मतलब जैसे ये इसकी बात हो रही है, स्लोप ऑफ द लाइन इसकी बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, स्लोप लाइन इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज. एक का प्राइस देखो इससे आप समझ सकते हैं, इस पैराग्राफ इससे, ये बजट लाइन है, आप बोल सकते हैं कि इसकी लाइन है वो ऐसे आएगी. क्यों आएगी वैसे, कि ये प्राइस वन है, ये प्राइस टू है, ये क्वांटिटी वन है, क्वांटिटी टू है. जैसे प्राइस कम है अभी यहां पे, ये क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है, यहां अगर मान लो 10 यूनिट है और यहां पे 5 यूनिट है ये प्राइस, तो ये 50 हुआ. लेकिन जैसे यहां पे क्वांटिटी प्राइस बढ़ा 5 से अब 10 हुआ, और क्वांटिटी यहां पे कम होगी
क्योंकि बजट सेम है उसका, तो अब वो क्वांटिटी 5 होगी, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे चला गया। जब हम उसको मिलाएंगे उसको, तो उसको बजट लाइन बोलेंगे, या इसको, और उसका स्लैप है वो इस रूप में है, तो वो प्राइसिस एक से वो रेशियो बता रहे दो का है। ये डिमांड कर्व इज नेगेटिवली, इसमें इसको ये डिमांड कर्व भी हुआ, तो ये डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप इंडिकेटिंग दैट फॉल इन प्राइस लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस नीचे आया तो क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है, आप उस एंगल से भी सोच। दिस इज बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, लोअर प्राइस ब्रिंग, देखो क्या रीजन होगा कि अगर प्राइस नीचे आता है, अगर प्राइस नीचे आता है तो डिमांड में ज्यादा इंक्रीज होगा। एक तो क्या है कि जो लो प्राइस आने के बाद में नए बायर है उस सेगमेंट में आ जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, नए बायर आ जाएंगे तो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, डिक्लाइन इन प्राइस कॉजेस, अगर प्राइस नीचे आता है, अगर प्राइस नीचे आता है तो जो रियल इनकम होती है, जो पहले अगर उसको 100 रुपए मिल रहा था और 50 रुपए में मिल रहा है, इसका मतलब उसकी इनकम है, रियल इनकम है वो बढ़ गई है, तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर टू इंक्रीज विच इनकर्स इंड्यूसेस मोर बाइंग कैपेसिटी। मतलब कि 100 रुपए में आइटम आ रहा था, उसकी इनकम फिक्स है, अब वो 50 रुपए में आ रहा है, इसका मतलब वास्तव में देखा जाए तो उसी इनकम में अब दो चीजें खरीद सकता है, मतलब उसकी बाइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। और वेन प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस नीचे आता है बट द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट, तो कमोडिटी बिकम्स रिलेटिवली चीपर। अब ऐसा नहीं सभी का प्राइस अगर नीचे आता है तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है वही चीज सस्ती हो या उसी को ज्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन अगर बाकी कॉन्स्टेंट है प्राइस सभी का और एक का प्राइस नीचे आता है, इसका मतलब वो चीज है वो रिलेटिवली चीपर हो गई है। दिस मेक्स द कंज्यूमर टू रिप्लेस कॉस्टली गुड विद दिस चीपर गुड्स। और ऐसा हो सकता है जब दूसरे का प्राइस ज्यादा ही है, अगर इसका एक का नीचा है तो वो कॉस्टली गुड्स से चीपर गुड्स को रिप्लेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इट इंप्लाइज एक्सटेंशन, और ये डिमांड कर्व के साथ साथ चलेगा, इट इंप्लाइज एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और इसका अभिप्राय है कि डिमांड में कॉन्ट्रेक्शन होना या डिमांड में एक्सटेंशन होना, ये टेक्निकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये डिफरेंस है डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड, इनका डिफरेंट है, ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है किससे, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड से। और यहां पे किस वजह से आ रही है, प्राइस फॉल की वजह से आ रही है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन याद रखिए, क्योंकि अभी आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा तो उससे आप अपने आप को एसोसिएट कर पाओगे। दिस इज रिलेटेड विद चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, और ये चेंज ऑफ प्राइसेस से रिलेटेड थी कॉन्ट्रेक्शन एक्सटेंशन, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। और बाकी फैक्टर हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट, बस एक चीज का प्राइस रिड्यूस हुआ तो वो सब्स्टिट्यूशन इंपैक्ट हो गया, क्योंकि हायर जो प्राइस था वो आइटम अब नहीं खरीद रहा और लोअर वो उस आइटम को ज्यादा खरीद रहे हैं। सपोज ऑन डिमांड कर्व DD1 कंज्यूमर चेंजेस हिज डिमांड फ्रॉम Q1 एट लोअर प्राइस P1 ऑन PA टू न्यू डिमांड Q2 एट हायर प्राइस P2 ऑन द पॉइंट B। अभी हमने देखा था एक डायग्राम, एक ग्राफ इस तरह से, उसी की बात चल रही है। दिस इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू B ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस A टू B, आप देख सकते हैं इसी तरह का ग्राफ दोबारा है, A टू B है वो इंक्रीज इन डिमांड, ये डिमांड है वो इंक्रीज इन डिमांड आ गई। दिस इज कॉल्ड, अगर एक कम होगी डिमांड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड आप बोल सकते हैं कि OQ1 और OQ2 इन दोनों के बीच में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो Q1 और Q2 का डिफरेंस है, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड का डिफरेंस है, डिमांड कम होना प्राइस से, ये टोटल क्वांटिटी कम हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड, डिक्रीज इन प्राइस कॉज इंक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो जो चीज यहां पे थी अब वो यहां पे आ गई है, ये इंक्रीज हो गई डिमांड, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गई, इंक्रीज प्राइसेस कॉज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए डिमांड। तो ये आपने मेरे ख्याल से अच्छी तरह से जान लिया होगा। अब आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व यहां थी अब यहां से यहां चली गई है, अगर प्राइस सेम है, अब ये देखिए प्राइस यहां पे चेंज नहीं हो रहा, उस ग्राफ में ग्राफ में चेंज हुआ था, यहां पर क्वांटिटी है वो चेंज हुई है, तो क्वांटिटी यहां से यहां चली गई,
तो ग्राफ है वहां पर यहां था, अब प्राइस सेम प्राइस है अब यहां पे चला गया, मतलब डिमांड है वो शिफ्ट इन डिमांड करो वो हो गया। तो देखिए क्या है, पहले ग्राफ को समझ लेंगे तो उसको समझ में करना ज्यादा आसान हो जाएगा। वहां कॉन्ट्रेक्शन और एक्सटेंशन था, यहां पे शिफ्ट है डिमांड में। इट इंप्लाइज दैट मूवमेंट ऑफ डिमांड करो फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर लाइक इनकम टैक्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस सेम है उस चीज का तो, लेकिन बाकी चीजों में चेंज आ गया है। उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बाकी चीजों उसकी इनकम बढ़ गई है, सेल्स पे कमीशन है वो लग गया है, या कोई रिटायर हो गया है, तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, या अभी जमाना चेंज हो रहा है, टेस्ट है वो डिफरेंट हो गया है। पहले रेडियो यूज करते थे, अब एलईडी एलसीडी वो यूज कर रहे हैं, पहले उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आया था, तो हो सकता है वो प्राइस तो सेम हो, लेकिन बाकी चीजों का बढ़ने से डिमांड में फर्क आ गया, बाकी चीजों का चेंज टेस्ट ये बाकी फैक्टर में इंपैक्ट से चेंज आया। तो दिस चेंज इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग डिमांड और डिक्रीजिंग डिमांड। अगर ऐसा चेंज आता है कि प्राइस सेम होता है और बाकी फैक्टर में डिफरेंस हो, तो फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। वो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सटेंशन में यह फर्क हुआ, वहां पर प्राइस है वो चेंज हो रहा था, यहां पर प्राइस फिक्स है। इनिशियली क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू ओ क्यू वन, देखो ओ क्यू वन है यहां पर, और एट प्राइस पी, प्राइस पी पे ऑन पॉइंट ए ऑफ डिमांड करो और डी डी वन, ये डिमांड कर्व है डी डी वन। नाउ डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड राइट टू न्यू पोजिशन है डी डी टू एट सेम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू ओ क्यू वन, ये यहां से चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गया। दिस चेंज इज ड्यू टू द नॉन प्राइस फैक्टर, ये चेंज है वो ज्यादा क्वांटिटी आ रही है, पहले कम क्वांटिटी थी, सेम प्राइस है, तो बाकी जो फैक्टर है उसमें चेंज की वजह से यह हुआ। अब देखिए डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन सेट द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड। डिमांड फंक्शन देखिए कि डिमांड को क्या क्या चीज प्रभावित करते हैं, फंक्शन का मतलब होगा यहां पे कि डिमांड अब किस किस के ऊपर डिपेंड है। तो डिमांड फंक्शन सेट द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड, सिंपल से ये बात हो गई। डिमांड फॉर कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे हमने अभी देखा दो ग्राफ में, बट किसके ऊपर डिपेंड करेगा डिमांड, प्राइस के अलावा वो इनकम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, प्राइस सेम है, तो आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सामने वाली चीज के प्राइस भी अगर कम हो गए हैं, उस पर भी डिपेंड, कम या ज्यादा हो उस पर इंपैक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट पे या हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कई चीजों पे का इंपैक्ट होता है, वो डिमांड के ऊपर फर्क डालेगा। अब होता है एक शॉर्ट रन डिमांड फंक्शन, शॉर्ट रन में अगर डिमांड कम ज्यादा हो तो वो कौन से कारक हैं, फंक्शन हैं जो इसको प्रभावित करते हैं डिमांड को। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, इसको बोल सकते डिमांड फंक्शन डिपेंड ऑन द प्राइसिस, अदर फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द शॉर्ट रन। आप बोल सकते हैं कि आमतौर पर देखा जाए तो शॉर्ट रन में तो प्राइस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा जो इसको इंपैक्ट डालेगा। अब हम लॉन्ग रन डिमांड फंक्शन कौन से हो गए, शॉर्ट रन अगर क्वेश्चन आता है कई बार के एग्जाम में, डिमांड बताइए शॉर्ट टर्म फंक्शन कौन से, शॉर्ट रन फंक्शन कौन सा है, तो आंसर होगा प्राइस। और लॉन्ग रन कौन से हो गए, लॉन्ग रन बाकी दूसरे फैक्टर, जैसे ही प्राइस डिपेंड ऑन द ऑल फैक्टर रिलेटेड टू प्राइस एज वेल एज द कंज्यूमर, प्राइस के ऊपर भी और कंज्यूमर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा प्राइस, आप इसको याद रखिए, ये वाली प्राइस है, दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का भी इंपैक्ट डालेगा, एस सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर है टेस्ट ऑफ एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इसका भी इंपैक्ट आएगा। ये सारे लॉन्ग टर्म में डिमांड को प्रभावित करेंगे। अब बताए लीनियर डिमांड फंक्शन कौन से होते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व विद कॉन्स्टेंट दैट इज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस सेम ऑन द होल कर्व, जितना चेंज होगा प्राइस में उतनी ही डिमांड में चेंज हो जाएगा, उसको लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। कि ऐसा कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जितना डिमांड में प्राइस में चेंज आया उतना डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन कई ऐसे आइटम होते हैं हल्का सा प्राइस में भी चेंज आए तो डिमांड में एकदम जंप लगता है, वो लीनियर नहीं है। तो लीनियर डिमांड फंक्शन इट क्रिएट लीनियर डिमांड लाइन, लाइन है ये, क्योंकि ये सेम है, रेशियो सेम। नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन क्या होगा, इट इज ए कर्विली
कर्व लीनियर शेप्ड कर्व विद चेंजेस अलोंग द कर्व, इट क्रिएट डिमांड कर्व, कि उसमें प्राइस अगर चेंज होता है या बाकी फैक्टर चेंज होते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी है उसमें ज्यादा कम ज्यादा फर्क में वैरायटी होती है। अब आता है एक लॉ ऑफ डिमांड, क्या है लॉ ऑफ डिमांड, नियम क्या है डिमांड का। दिस लॉ सेड दैट डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्राइसेस फॉर गुड्स और अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम। अगर डिक्रीज होती है डिमांड तो प्राइस का वो इंक्रीज होगा, तो इनका सीधा साधा रिलेशनशिप होता है। अगर डिमांडिंग प्राइस डिक्रीज तो गुड्स है, डिमांड है वो इंक्रीज, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी मतलब कि कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक से रिलेटेड चर्चा है हम आगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।